या भाई मुंह से चार दांत है, पल्ल व्यातम है, तीन दिन की ब्याई है, मौका 12 किलो दूध चार है, दूसरा ब्याह हो गया। अच्छा सेकंड टाइमर बच्चा देना है, कितने दिन? एक हफ्ता बाकी इसका मान ले। अच्छा एक हफ्ता लगभग कच्ची है। ये देखो भाई एक और शानदार क्वालिटी की जो जोटी है, बिल्कुल आप भाई कैमरे के सामने बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। और जेड ब्लैक बात करें तो बिल्कुल एक भाई एक ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं। 1,65,000 1,65,000 19 महीने की होगी भाई। हाँ हाँ चौथे महीने में क्या बन चल रही है, 8 तारीख रखते हैं। अच्छा अच्छा इसकी माँ 22.5 किलो दूध अपने निकाल रही है, बहुत अच्छी जोटी। 11 दिन की ब्याई है भाई, ठीक है 16-17 किलो दूध हो रहा है इसमें। अच्छा 10 दिन की ब्याई में 16-17 किलो दूध तैयार है। आगे से जो अर्डर क्वालिटी है देखो भी, और जो थनों की जो क्वालिटी है काफ़ी शानदार, और जो पीछे से भाई जो अर्डर क्वालिटी है ये देखो भाई काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगी भी। जितनी जोटी का खुद का साइज है उतना ही साइज भी अर्डर का जी। इसका रेट कितना? इसका रेट 1.5 लाख रुपये भाई। अच्छा इसका रेट जो है 1.5 लाख। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय रेडू एक बार फिर से स्वागत करता हूँ जी आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय रेडू डेयरी फार्म पर। तो लगातार जो प्रयास था भाई एक जो शानदार क्वालिटी के जो पशुधन दिखाएं, तो फाइनली आज पहुँचे हैं जी सेवा सिंह करसोड़ा के न्यू डेयरी फार्म पे। क्योंकि भाई जो पहले वाला जो पुराना जो डेयरी फार्म था अंकल जी का वो था भाई नेहरू कॉलोनी जुलाना में। तो आज की जो डेयरी फार्म से जो वीडियो लेके आए हैं सेवा सिंह जी के, जो नए डेयरी फार्म से जो वीडियो लेके आए हैं, इसकी जो लोकेशन है वो भी कन्फर्म करवाएंगे और एड्रेस है वो भी कन्फर्म करवाएंगे, और साथ में भाई चार जोटियाँ बिल्कुल ऐसी शानदार क्वालिटी की जोटियाँ दिखाएंगे भी। एक अदर क्वालिटी की बात करें या फिर ब्यूटी की बात करें, बिल्कुल भी दुधारू पशुधन है वही दिखाने की कोशिश करेंगे, और भाई साथ में जो रेट है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मिलवाते हैं जी सेवा सिंह करसोड़ा से। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार भाई, कैसे हो अंकल जी? बहुत बढ़िया। तो अंकल जी जो पहले वाली मैंने वीडियो में पहले बोला जो अपनी नेहरू कॉलोनी में होगी जो डायरी, तो ये जो अपनी नई डायरी होगी इसकी लोकेशन कौन सी? इसकी लोकेशन है करसोड़ा रोड। हाँ जो करसोड़ा रोड जो है ठीक है, इस पे मतलब जो चौक नहीं है करसोड़ा चौक है, इससे 1,000 मीटर बिल्कुल जो अपना ये नजदीक हनुमान मंदिर है और कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज भी आ गया नजदीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जो सेवा सिंह ने जो डायरी की जो लोकेशन है वो भी कन्फर्म करवाई है। तो अंकल जी काम धंधा कैसे चल रहा है सबसे पहले? बहुत बढ़िया चल रहा है, दया परमात्मा। बिल्कुल देखो आपका भी बहुत नाम सुना है कि भाई एक शानदार क्वालिटी के जो नगीने लेके आओ हो, तो अब ये तो कोशिश तो सारे बढ़िया जाने कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश बढ़िया है, बढ़िया है करा कोशिश। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की वीडियो में कितने नगीने दिखा रहे होंगे? आज दिखाएंगे चार नगीने दिखाओ। बढ़िया बिल्कुल। तो उनमें दूध तैयार की है क्या बिन है? दूध तैयार की एक से एक है, जो मतलब बोल सका तैयारी चल रही है ना, तैयार है उसमें 16-17 किलो 16-17 किलो तैयार है। तो बिल्कुल, और मतलब तीन जोटियां गैप बनोगी अपनी? ये दो गैप बने, एक और दो अपनी गैप बनोगी। तो बिल्कुल भाई चार जोटियां, एक जो भाई नगीना बोल सकते हैं जी आप, बिल्कुल शानदार क्वालिटी की जो जोटियां हैं वही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लगातार जुड़े। तो अंकल जी जो पहले नंबर पे जो अपनी जोटी है इसकी डिटेल बताओ अंकल जी। या भाई मुंह से चार दांत है, पल्ल व्यातम है, तीन दिन की ब्याई है, मौका 12 किलो दूध तैयार है, खिस्ते खाली होंगे। अच्छा दांतों में आपने चार बताया, तीन दिन की ब्याई में 12 किलो तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो भी बिल्कुल कच्चा बना जोटी में, और फर्स्ट टाइमर ऐसी साइज की जोटी भी मिलना बहुत भी मैं नीचे कटड़ी है इसके। अच्छा जी नीचे कटड़ी होगी। ये देखो भी जो ठुका ठुकाया जो ऑर्डर है शानदार, जो थनों की बात करें अर्डर क्वालिटी की बात करें तो एक शानदार अर्डर क्वालिटी वाली जोटी, और कच्चापन देखो भाई जोटी में। लेकिन भाई साथ में साइज की बात करें और जो सींगों की क्वालिटी की बात करें तो काफी शानदार एक नगीना है, और तीन दिन की ब्याई में 12 किलो बताएं अंकल दूध। बिल्कुल भाई ये देखो बहुत बड़ी बात है भाई, तीन दिन की ब्याई में 12 किलो दूध और नीचे कठड़ी। ये देखो भाई काफी शानदार जो पीठ पुट्टे की क्वालिटी है काफी शानदार है। तो अंकल जी कम समय में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करेंगे। कठड़ी और दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल भाई, साथ में जो है कठड़ी दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ये देखो भाई जो एक नंबर पे जो जोटी दिखाई है उसके नीचे जो कटड़ी है आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। ये देखो भी बोलते हैं अंकल जी, ये देखो बिल्कुल भाई साफ स्पष्ट आप देख सको हो, और तीन दिन की जो कटड़ी है तो दूध बताया अंकल जी ने इस जोटी में 12 किलो। अंकल जी रेट कितना? 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये आज के दिन का ये रेट? आज का दिन बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई एक जो नगीना मुरागा इसका जो रेट है अंकल जी ने बता 4 लाख रुपये। तो अंकल जी दो नंबर पे जो जोटी है अपनी या क्या बन है, दूसरा ब्याह हो गया। अच्छा सेकंड टाइमर बच्चा देना है, कितने दिन? एक हफ्ता बाकी इसका मान ले। अच्छा एक हफ्ता लगभग कच्ची है। ये देखो भाई एक और शानदार क्वालिटी की जो जोटी है, बिल्कुल आप भाई कैमरे के सामने बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। और जेड ब्लैक बात करें तो बिल्कुल एक भाई एक ब्लैक गोल्ड बोल सकते हैं भाई जोटी को, क्योंकि लगभग भाई बात
करना चाहें तो लगभग टैल में जो है 1 से 1.5 इंच जो है भाई टैल वाइट है, और अदर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी भाई ऐसी अदर क्वालिटी मिलना काफ़ी मुश्किल है भाई, क्योंकि अंकल जी भी बार बार जो है भाई फील्ड से जो है घूम फिर के ऐसे जो नगीने हैं खोज के लेके आते हैं। और जो भी थनों की क्वालिटी की बात करें तो ये देखो भाई सेकंड टाइम मेरे जो जोटी है आई अंकल जी मीडियम है जोटी। हाँ मीडियम बिल्कुल भाई, साथ के साथ जो है बताना पसंद करेंगे कि भाई जोटी की जो हाइट है वो मीडियम है। तो अंकल जी फर्स्ट टाइमर का दूध कितनी के रिपोर्ट रही इसकी? भाई दूध का नहीं बेरा हमने इसका। अच्छा अच्छा, तो खरीद के जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ऐसा चीज बता। बिल्कुल अंकल जी, क्या बन सारी 17-18 किलो? बिल्कुल अंकल जी, ये देखो भी, और जो चेहरे मोरे की बनावट की बात 15 किलो दूध दे देगी। अच्छा, लगभग आप जो उम्मीद कर रहे हो तो 15 किलो दूध दे देगी। देखो अडर क्वालिटी ने देखे थोड़ो ने देखे तो अंकल जी इतना देना भी चाहिए। दे दे 15 किलो। बिल्कुल बिल्कुल, तो अंकल जी इसका रेट कितना रखा? इसका 1,65,000। 1,65,000। बिल्कुल बिल्कुल, तो अंकल जी इसके बाद जो अगला जो पशुधन है अपना 3 नंबर पे खोल लो। अच्छा, इसके बाद भाई एक जो 3 नंबर पे जो है एक शानदार भाई बता दीजिए। अच्छा, नोट फॉर सेल है अंकल जी, ये दिखा ले। ये वैसे भाई दिखाने के लिए जो है वीडियो में जो है भाई इस जोटी को भी इस हीफर को भी कवर कर रहे हैं, तो इसकी डिटेल अंकल जी? ये 19 महीने की होगी भाई। हाँ हाँ, चौथे महीने में क्या बन चल रही है, 8 तारीख तक। अच्छा अच्छा, इसकी माँ 22.5 किलो दूध अपने निकाल रही है, बहुत अच्छी जोटी थी। और टेम पे अच्छा, 19 महीने की एज में अंकल जी 4 महीने की क्या बन भी होली? 15 महीने की थी, आधे बोली थी क्या बन जो बोली थी, 4 महीने ही चेक पास है। ये देखो भाई फुल हैवी वेट की जो जोटी है, और इतनी कच्ची उम्र में जो बात करें ग्रोथ की तो काफी शानदार जो ग्रोथ जोटी ने भाई मुरा हीफर ने जो ग्रोथ बनाई है तो काफी शानदार भाई मुरा का नायाब नगीना बोल सकते हैं। और पीठ की क्वालिटी की बात करें तो ये देखो भाई साइड से भी दिखाने की कोशिश करांगे, एक भाई खड़ी पीठ की बोलते हैं तो काफी शानदार जोटी है भाई, जेड ब्लैक बोल सको भाई, क्योंकि टैल की बात तो बिल्कुल भाई 1 से 2 इंच जो है टैल वाइट है। और सिंगों की क्वालिटी देखो भाई, एक मासूम चेहरा और रिंग सिंग। तो ये देखो अंकल जी ने जो 19 महीने की एज में बताया कि भाई 4 महीने के गैबिन भी होली, कौन से बुल से करवाई अंकल जी आपने? बजरंगी से। बजरंगी से गैबिन? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल ये देखो भाई बजरंगी बुल से, बजरंगी लिजवाना से ये जोटी गैबिन है। तो इसके बाद अंकल जी जो 4 नंबर पे जो जोटी आ गई, कोई सी खोल दे, खोल लो इसको, खोल लो भाई साहब। तो इसकी डिटेल अंकल जी? या 10 दिन की 11 दिन की ब्याई है भाई। ठीक है, 16-17 किलो दूध हो जाए इसमें। अच्छा, 10 दिन की ब्याई में 16 से 17 किलो दूध तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। और नीचे अंकल जी इसका? नीचे कटड़ा। कटड़ा है, ठीक है। मैले से लग ली अंकल जी? है मैले तो लग ली। हाँ मैले लग ली। मैले लग ली। हाँ 10-11 दिन की 12 दिन की भी उसके है। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक अंकल जी। तो ये देखो भाई काफी शानदार जो 16-17 किलो इसमें। अच्छा, ब्यांत कौन सा बताया अंकल जी आपने? चौथा ब्यांत हो गया, ठीक है। तो लगभग 16 से 17 किलो दूध अंकल जी ने बताया भाई, और 10 दिन के लगभग जो है ब्याई होगी, और नीचे बताया कटड़ा अंकल जी ने। और जो अडर क्वालिटी है भाई ये देखो काफ़ी शानदार अडर क्वालिटी है। और जो सिंगों की क्वालिटी की बात करें तो भाई थोड़ा सा खुला गोल्ड सिंग बोल्स को भाई, देसी सिंग बोल्स को बिल्कुल। और हाइट की भाई मीडियम से अड़की ऊपर हाइट है, तो काफ़ी शानदार भैंस बोल्स को भाई, क्योंकि अंकल जी ने बताया लगभग जो है भाई चौथे ब्यांत में होगी ये भैंस अपनी। तो नीचे कटड़ा बताया अंकल जी ने भाई, तो अंकल जी इसका रेट? इसके 1,70,000। 1,70,000 रुपये, ठीक है। तो अंकल जी ने भाई इसके जो 4 नंबर पे जो भैंस दिखाई है उसका रेट बताया 1,70,000 रुपये। तो इसके बाद अंकल जी जो लास्ट एंड फाइनल जो अपनी तीसरी बार ब्याह होगी भाई? अच्छा, तीसरी बार बच्चा देना अंकल जी? हाँ तीसरी बार, ठीक है। और कितने दिन कच्ची अंकल जी? या बस 1-2 दिन में ब्याह जाएगी। अच्छा अच्छा, लगभग जो है भाई हाँ सांस तड़का ही टड़ा है बस बस ब्याह का। बिल्कुल, तीसरा ब्याह तो मैं बताऊं अंकल जी आपको बच्चा देना? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो भाई हाइट इसकी भी बताना चाहूंगा भाई, मीडियम हाइट की है। मीडियम हाइट है, लेकिन ये देखो भाई जो अडर क्वालिटी की बात करें तो भाई बार बार दिखाने का मन करता है जो भाई आगे से जो अडर क्वालिटी है देखो भाई, और जो थनों की जो क्वालिटी है काफी शानदार, और जो पीछे से भाई जो अडर क्वालिटी है ये देखो भाई काफी आपको कम देखने को मिलेगी भाई, जितनी जोटी का खुद का साइज है उतना ही साइज भाई अडर क्वालिटी का है। बिल्कुल शानदार अंकल जी ने भाई जो लगभग 5 जोटियां दिखाई हैं, जिसमें से भाई एक जो मैं बताना चाहूँगा अभी जो ईफर दिखाई वो नोट फॉर सेल है, लेकिन जो लास्ट में जो भाई तीसरे ब्यांत की भैंस जोटी बोल्स को भाई आप काफ़ी शानदार जो अडर क्वालिटी के साथ। तो अंकल जी इसका रेट कितना? इसका रेट 1.5 लाख रुपये भाई। अच्छा, इसका रेट जो है 1.5 लाख? 1.5 लाख। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल जी ने भाई लगभग जो जोटियाँ दिखाई हैं जो सेल के लिए लगभग मेरे हिसाब से 4 जोटियाँ दिखाई हैं, काफ़ी शानदार जोटियाँ दिखाई हैं भाई। और लगभग जो है भाई अपनी भी जो कोशिश रहती है भाई रेट जो है वीडियो में ही बताएं, तो अंकल जी ने सभी जोटियों का जो है रेट भी वीडियो में बताया है।
तो अंकल जी फोन नंबर और कंफर्म करवा दो एक बार। 9868-15640। ठीक है, तो भाई अंकल जी का जो है फोन नंबर है जो लगातार स्क्रीन पे चल रहा है, जिस भाई को भी भाई कौन सी भी झोटी पसंद आए तो भाई लगातार अंकल जी का फोन नंबर भाई स्क्रीन पे चल रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करें। आप भाई ऑनलाइन भी इन झोटियों को खरीद सकते हैं और भाई लगभग जो है भाई इसमें 11 झोटियाँ भी दिखाई हैं और साथ में जो है भाई दूध तैयार वाली झोटियाँ भी दिखाई हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाई बार बार धन्यवाद है सभी भाइयों का जो दिल से इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो अंकल जी लास्ट में एक बार राम राम कर दो सारे। राम राम भाई सारे। तो भाई राम राम अभी सभी भाइयों को।